ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर वाले मतलब इधर से तो एंट्री किया था हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे अभी खाने का देख रहे हैं हम लोग क्या है, बट पहले हम लोग कुछ कुछ खा लेते हैं यार। इधर के शेक शेक और सागर को खाना है मूलचंद के पराठे इधर, तो डेली जाना। अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडी, देखो बीच बीच है ना खाली। सो आ गया हमारा मील, मैक चिकन, मैक स्पाइसी चिकन, कोक और फ्राइज। और ये सागर बिना मेरे को पूछे बोले कुछ नहीं, बस खा लिया। हल्की हल्की बारिश आ रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा लास्ट जो है वो है फ्लोरल फैंटेसी के लिए। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, वहाँ पे ज्यादा रश है बिकॉज वहाँ पे एक साथ ही तीन चार चीजें सामने आ गया ना। यहाँ से वो व्यू भी आता है शायद ना, कवर्ड हो गया सब कुछ, यहाँ पे इतना मुझे लगता नहीं कवर्ड होगा, देखते है बट कैसा होगा। So guys, हम ढूंढते जा रहे हैं, लास्ट फ्लोरल फैंटेसी मिल नहीं रही है। अभी हमने एक रेस्टोरेंट इधर भी कुछ दिखा है डायरेक्शन, एक रेस्टोरेंट में एक बंदे को पूछा तो उसने बोला कि बाहर जाओ, वहाँ से आपको कुछ ब्रिज, वॉक ऑफ लाइट्स, वहाँ से आपको कोई ब्रिज लेना पड़ेगा। ये ब्रिज है क्या, पता नहीं यार, तो मुझे बोला ब्रिज लेना पड़ेगा, देखते हैं अभी चल के आगे। सो गाइज, हम भी ढूंढते ढूंढते फिर रहे, हमारे पीछे पैर दुख रहा है यार, अच्छी में। हमें लगा हमारे आगे जो थे उनको पता होगा, बट उनको भी नहीं पता, वो भी देख रहे इधर ही। वो वैसे है ना, उन लोगों के पास पूछने वॉल फैक्ट्स। हाँ, क्या है ये, मतलब ऐसा लग रहा है क्या हेरिटेज गार्डन्स सामने जो लिखा हुआ है। इन लोगों ने साइंस भी कैसे लगाया पता नहीं, वो क्या है सामने, उधर भी लोग जा रहे हैं, देखते है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक स्टैचू रखा है बच्चे का, मस्त हो रहा है। हाँ, तो अभी इधर भी साइन दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे चल के देखते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गोल्फ कार्ट का वेट करते हैं, इधर जाके क्या करेंगे अभी, है लोग आ रहे हैं वहाँ से, हेरिटेज गार्डन्स लिखा है सागर, नहीं होगा ठीक है। बीच बीच में कोमड़ी भोमड़ी निकल रहे थे। फ्लोरल फैंटेसी एक्चुअली क्लोज्ड ये है, किसी को पूछना पड़ेगा, गर्मी भी बहुत हो गई यार, बारिश भी है ना, इरिटेट हो रहा है। हाँ, मौसम आगे चल थोड़ा, उसने पूछा कुछ। मैं उनको पूछ के आऊँ, वो काम कर रहे हैं जो, क्योंकि इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ फ्लोरल फैंटेसी कहाँ क्या है। डायरेक्शन तो दिख रहा है, जाते हैं तो उधर कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, यू नो वेयर इज फ्लोरल फैंटेसी? हेलो, फ्लोरल फैंटेसी? नो, फ्लोरल फैंटेसी, फ्लोरल फैंटेसी, फ्लोरल फैंटेसी, फ्लावर फैंटेसी, आया लेफ्ट, ओके थैंक यू। वही आगे से जो रास्ता था ना, अभी हमने लोकल लोग को पूछा जो काम कर रहा है, उन्होंने बोला आगे जाके लेफ्ट लो, अभी देखते हैं कि क्या है। हाँ, पसीना ना पूरा बालों में, तो पसीना पसीना आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो अंधेरा भी ऐसा ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ मन ही नहीं कर रहा ना। हाँ, थोड़ा धूप हो, थोड़ा शाइन हो, तो ये फोटो वोटो लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा मजा है, बट मौसम ऐसा हो गया कि जैसे क्या बोले, जैसे मुंबई में बारिश का मौसम। हाँ, ऐसा, बट सिंगापुर में ऐसे ही रहता है, कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप आती है आज तो। और मलेशिया में कम है कम्पेयर टू सिंगापुर, मलेशिया में नहीं था, हम लोगों को नहीं मिला, क्लाउडी होता है, बट ये एक डल वाला मौसम नहीं था उधर। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है सुपर ट्री कुछ तो है ना, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे ऊपर भी जाके आप देख सकते हो। हमने तो वो फिलहाल अपने पैकेज में नहीं लिया है, और हमें वो लाइट वाला भी देखना है, तो हम फटाफट अभी फ्लोरल फैंटेसी जाके आके फिर वो देखते हैं ये लाइट्स का कहाँ से अच्छे से व्यू मिलता है हमें। तो गाइस, फाइनली हमने एक जो यहाँ पे काम करती उनको पूछा कि कहाँ पर है, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन दिया यार इधर जाओ उधर जाओ। अच्छा, वो है देख लिफ्ट सी, अच्छा यहाँ से ऊपर जाना है, क्या है ये किधर था ये लिफ्ट, लिफ्ट से चलते चल, ऑब्वियसली ऊपर ही है। हाँ, लिखा तो नहीं है। हाँ, इसमें भी कुछ लिखा नहीं है, पर उन्होंने बोला ना ब्रिज लेना है आपको इस पे जाके। इतना क्या है शटल लगा के तो फालतू का यार, बहुत ही एकदम डिफिकल्ट जगह पे बनाया। हाँ, लगा कि बाहर ही बना दिया। यहाँ पे भी एक्चुअली फ्लोरल फैंटेसी का कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब सुपर ट्री और वो सब लिखा हुआ है, क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लोरल फैंटेसी ज़्यादा भाव नहीं। हाँ,
सो गाइस यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है, ये शिप होटल है जो रेडियन मरीना पे कुछ तो नाम है यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो गाइस फाइनली हमें मिल गया है फ्लोरल फैंटेसी, देखना सामने स्ट्रेट, और यही है वो फेमस ब्रिज जहाँ पे सब लोग फोटो लेते हैं, तो यहाँ पे हम भी लेंगे फोटो। और गर्मी जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, ये अलग ही जगह बनाया अरे एकदम, हाँ यहाँ से निकलो फोटो, बट मस्त लग रहा है यार ये, क्या व्यू है। और नीचे क्या है, अच्छा ये नीचे ये नहीं नहीं शो इधर नहीं होगा, यहाँ से फोटो लेना तो बनता है बस। सो गाइस अभी भी हम पहुँचे नहीं फ्लोरल फैंटेसी, ढूंढे जा रहे हैं कहाँ पर है अभी देख। शटल सर्विस कर लिखा है ये है क्लाउड ट्री, शटल सर्विस लेने के लिए अभी तूने चार पांचवी बार दिखाया नहीं, ये शायद वो इनक्लोज वाला है, शायद वही हो सकता है जैसा पूजा बोल रही है, पता नहीं उधर दुकानें भी दिख रही थी मेरे को। एक्चुअली मेरे को लग मेरे शटल जो सर्विस है जो वहाँ से मिल रही थी वो शायद लेके तुम बोल सकते थे उनको ना कि यहाँ छोड़ना है हमको वहाँ छोड़ना है, देख शटल सर्विस। सो गाइस फाइनली इतने चलने के बाद फ्लोरल फैंटेसी मिल गया, और ये देखो आपका स्वागत करने के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या छुपा है। वाओ वाह, ये हुई ना बात राहत मिली, हाँ वाह इधर फोटोज अच्छे आएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ लग तो रहे रियली है, क्या है क्या, बाप रे। और यहाँ पे पूरा एसी है, ये लाइफ सेवर है, चलो अभी फोटोज लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर, देखो उधर भी नीचे आता है वो फ्लावर्स, देख देख वाह ये सही है रे ऐसा, तो ये रहे फ्लावर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाम भी लिखे हुए इसके, नहीं रियल है देखना सब मिट्टी है, ऑटो मेंबर सब रियल फ्लावर्स है भाई, नकली नहीं है, इसके लिए उन्होंने टेम्परेचर ऐसा कंट्रोल करके रखा है ना। और आगे चल के आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं, ये तो बहुत ही सही लग रहा है यार ये वाला, देखो यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे और अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, पूरा मतलब फ्लावर ही है, पर ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा 50 मीटर्स का स्ट्रेच है ये जहाँ पे आपको, हाँ पता नहीं राउंड में है क्या है। गाइस इसका कलर देखिए, फ्लावर से बना हुआ है क्या पता नहीं, असली आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, बट क्या मस्त बना है, पैरेट फ्रॉग और लीजर चिपकली, बहुत ही जबरदस्त बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फ्लोरल फैंटेसी जो है वो लाइव प्लांट्स भी है उसमें, फ्रेश कट फ्लावर्स भी है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स भी है, और ड्राइड प्लांट्स भी है जो कि बाहर होते हैं ना ड्राइड प्लांट्स, वो सबसे बनाया हुआ ये देखिए देखिए इसका, हाँ पिंक कलर का, देखो ये है जादुई दुनिया, बहुत ही सही लग रहा है, खास करके ये जो एक यूनिक कुछ तो दिया हुआ है, फ्लावर ऊपर नीचे होते रहते ऑटोमेटिकली, ये रहा रियल फ्रॉग, हाँ हो सकता है, हाँ देखिए गाइस और भी है क्या, इधर भी है क्या, वाह इसका कलर देखना ये दिख रहा है ग्रीन, और मालूम नहीं पड़ते वो पत्ते का कलर है, फुल कैमोफ्लेज ये वाला पत्थर लग रहा है एकदम, ये किधर गया ये वाला, मेरी खाती ये देखिए तो ये वाला फुल कैमोफ्लेज है, ये तो खतरनाक है ना,
फुल उनके लिए बनाया है मस्त। तो गाइस हमने जो देखे फ्रॉग अभी ये, तो ये गोल्डन पॉइजन डार्क फ्रॉग में लिखा है कि जब ये जंगल में होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे इंसेक्ट्स खाते हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी से एक केमिकल पॉइजनस सीक्रेट होता है, लेकिन ये कैप्टिव वाला फ्रॉग से इसका इनका डाइट अलग होता है, तो ये पॉइजनस नहीं है। और दूसरा ये वाला जो ग्रीन वाला हमने बताया आपको, और ये भी देखो ये भी था ना सर। हाँ, यहाँ पे भी बैठ के फोटो ले सकते हैं। खत्म हो गया क्या? ओह ये फाइनल है, यहाँ पे बैठ के लेंगे फोटो। चल जा बैठ। तो गाइस यहाँ पे एक थिएटर है फीचरिंग फ्लाइट ऑफ द ड्रैगन्स है, 4D थिएटर है। हाँ, लेकिन कोई है नहीं इधर एक्चुअली, और जो बंद भी करके रखा है दोनों साइड में। हाँ, बट यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, हम यहाँ पे एक फोटो ले रहे थे, अचानक से सब गायब हो गए, पता नहीं कैसे। मेरे को लगता है कोई आया भी होगा यहाँ पे। उनको यहाँ पे कुछ टाइमिंग वाइमिंग लिखा है क्या? हाँ यहाँ पे लिखा है, देख हाँ वो आई ना। उसको पूछ पूछ, भाग गई। हाँ शायद, हाँ छोड़ते चलते, हम लोग नहीं ले रहे फिर ये, क्योंकि लिखा है ना कि हाँ कि वो मोशन सिकनेस होगा, वो जैसा इमेजिका में सब था ना वैसा रहेगा। तो चलो हमें नहीं करना भाई इतना सब एक्सपीरियंस। बेसिकली फ्लाइट ऑफ द ड्रैगन फ्लाई मतलब आप तुम ड्रैगन फ्लाई जैसे बैठे रहोगे। हाँ नीचे का दिखेगा पूरा। नहीं बाबा वो तो मैंने भी किया था, मैं वो इसमें बैठा था, मुझे चक्कर नहीं आया था अपना रोलर कोस्टर में, बट उसमें आ गया था मेरे को अजीब सा वो। सो गाइस फाइनली आ गए हम गिफ्ट शॉप में, सोविनर शॉप फ्लोरल फैंटेसी का। ये कुछ ऐसा दिखता है, फ्लावर के शेप में बनाया है इन्होंने। देखते हैं यहाँ पर क्या है अभी। सो गाइस यहाँ पर आपको मिलेंगे मैग्नेट्स एज यूजुअल, अम्ब्रेलास भी रखे हैं उन्होंने क्योंकि बार बारिश है। और ये एक चीज़ बहुत सही है, ग्लोइंग टी शर्ट्स। ये देखिए यहाँ पे मालूम पड़ रहा है ये ग्लोइंग है, पूरा पूरी ग्लोइंग टी शर्ट्स है। और कीचेंस वीचेंस सब कुछ है यहाँ पे रखा हुआ सामान, वो भी फ्लावर वाला उधर भी है। यहाँ पे कुछ मिनिएचर्स है छोटे छोटे। ये रही पूजा, मैग्नेट्स भी है यहाँ पे चार। यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ दिखी हमें, कलर चेंजिंग यूवी अम्ब्रेला, मतलब जब बारिश आएगी ना तभी ये ऐसा ऑरेंज दिखेगा, नॉर्मल में सनी में ऐसा दिखेगा। कितने का है? $30 ऐसे ही होगा ना, ये होगा ना। चलिए देखते हैं कुछ मिलता है तो। हाँ हाँ वो कांच नहीं है एक्चुअली, कुछ और है, क्रिस्टल टाइप। हाँ सब वही है मोस्टली, वो जो वहाँ पे था ना वैसे ही है सेम। ये बैग अच्छा लग रहा है ना, ये वाला बैग गाइस अच्छा लग रहा है ना। हाँ हाँ ये प्लास्टिक के जैसा बना हुआ है पूरा, बड़ा बैग अच्छा है। चलो बैंड्स वैंड्स भी है, इयर रिंग्स भी है, टी शर्ट्स वगैरह सब ऑलरेडी है, मग्स है काफ़ी अच्छे अच्छे, पेंटिंग्स है पता नहीं, पेंटिंग्स भी है अच्छे अच्छे बना के किसी में। वो रखते हैं ना मैट्स नीचे, वो सब है। कप्स भी थर्मो मग है वो, अच्छा है ना गर्म रखने के लिए। ये ग्लास देख वाह मस्त लग रहा है। हाई क्वालिटी